नमस्कार। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि GERD की प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन फॉर GERDs की बात करेंगे। तो यहाँ हम एम्बुलेटरी 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है GERD को डायग्नोस करने का। ये कैसे करता है, क्या करता है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें 24 आवर के हम पीएच को मॉनिटर कर सकते हैं। यहां देखिए पीएच का प्रोब डाला जाता है, ये क्वांटिफाई करता है एक्चुअल टाइम जब ओसोफेजियल म्यूकोसा गैस्ट्रिक जूस के लिए एक्सपोज होती है, यानी वो एक्चुअल टाइम जब पीएच लोअर होगा, यानी यहां पर पीएच कम होगा, उस एक्चुअल टाइम को भी ये बता सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएच मॉनिटरिंग कैथेटर डाल करके रिफ्लेक्स कब हुआ, इसको जानने के लिए हम 24 आवर एम्बुलेटरी ओसोफेजियल मॉनिटरिंग करते हैं। यहां पर देखिए मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई गई है जो कि पीएच चेंजेस को चेक करेगी। यह गोल्ड स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं और उसे मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितनी भी बातों को हम लोगों ने चर्चा में लिया है उसको एक बार रिकॉल करें। 24 आवर एम्बुलेटरी ओसोफेजियल मॉनिटरिंग ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें हम एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर को इंट्रोड्यूस करते हैं लोअर ओसोफेजियल पार्ट में, और वहां पर हम पीएच को मॉनिटर करने का प्रयास करते हैं। तो पीएच भी मॉनिटर होगा और प्रेशर कैसे वहां पर लोअर ओसोफेजियल पार्ट का रिड्यूस हो रहा है इसको भी चेक करने का प्रयास किया जाता है। तो रिगर्जिटेशन के दौरान जब कभी भी रिगर्जिटेट होगा उस समय ये पता चलता है कि लोअर ओसोफेजियल पार्ट का प्रेशर या टोन कम हो रहा है, इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर प्रेशर मॉनिटरिंग, पीएच मॉनिटरिंग, ये दोनों ही टेक्निक हम अपना सकते हैं। जैसे मैंने पीएच मॉनिटरिंग का बताया था वैसे ही यहां पर प्रेशर मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं जब जो ही पर्सन को रिगर्जिटेशन की क्लिनिकल फीचर मिलेंगे उसी समय हम प्रेशर को रिकॉर्ड करें तो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर घटा हुआ होगा। इसी समय अगर हम पीएच को मॉनिटर करेंगे तो पीएच भी क्या होगा, नॉर्मल से कम मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव बेहद क्लियर रहने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एम्बुलेटरी 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताया कि हम ओसोफेजियल मैनोमेट्री भी कर सकते हैं। ओसोफेजियल मैनोमेट्री में क्या होगा, प्रेशर में होने वाले चेंजेस को हम देखेंगे जब ही रिगर्जिटेशन होगा। तो ये दोनों ही तरीके हम समझ चुके हैं। इसके अलावा हम ओसोफेजियल मोर्टेलिटी की भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि ये सारे तरीके गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, ये डायरेक्ट हम वहां के चेंजेस को देख रहे हैं। हालांकि और भी तरीके हैं, जैसे बैरियम स्वेलो करके हम चेक कर सकते हैं ओसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशंस को। अपर जीआई की इंडोस्कोपी भी की जा सकती है, डायरेक्ट हम विजुलाइज कर सकते हैं। बायोप्सी भी ले सकते हैं अगर कोई वहां पर चेंजेस हो रहे होंगे तो। तो इतने सारे ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस हमने पढ़ा, क्लिनिकल फीचर्स जो ही आ रहे हैं आपने प्रेशर की घटते हुए देखा। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस, प्रेशर का घटना, रिगर्जिटेशन और उस दौरान प्रेशर का घटना, दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम 24 आवर प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम 24 आवर एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग भी सबसे पहले डिस्कस किए थे। ये दोनों ही तरीके अपना करके हम डायरेक्ट विजुलाइजेशन कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं। प्रेशर जहां घटा हुआ था, जहां प्रेशर पहले घटा हुआ हम पा रहे थे, वहीं पर अब की बार पीएच को रिड्यूस होते हुए देखेंगे। तो जब हम पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जहां जहां रिगर्जिटेशन जिस जिस ड्यूरेशन पर हुआ है पर्सन को, उसी ड्यूरेशन पे पीएच लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर के आसपास के एरियाज में पीएच कम हो गया है। इसके बाद हम इंडोस्कोपी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, अपर जीआई इंडोस्कोपी कर सकते हैं और ये तरीका भी डायरेक्टली विजुलाइज किया जा सकता है। इस दौरान हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। एक और तरीका अपना सकते हैं जो कि हमें मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद आवश्यक हो जाता है, जैसे एच पायलोरी का इन्फेक्शन। कई बार
गर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हम एच पायलोरी के इन्फेक्शन को भी चेक करने का प्रयास करेंगे। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि अपर जीआई में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अपर जीआई इंडोस्कोपी के द्वारा भी डायरेक्टली विजुअलाइज किया जा सकता है। पेशेंट को हम ऐसे कंडीशन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा करके हम ओसोफेगस के आसपास के एरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं। चाहे तो हम स्टमक को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, ड्यूडिनम के पार्ट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ये सारी की सारी टेक्निक अपर जीआई इंडोस्कोपी में अपनाई जाती है, जिसे हम इस इमेज में देख सकते हैं। स्पष्ट है कि हम लोगों ने प्रेशर में होने वाले चेंजेस, पीएच में होने वाले चेंजेस, इसके अलावा वहां पर जो एग्जैक्टली कैसे चेंजेस हुए हैं उसको भी विजुअलाइज कर लिया एंडोस्कोपी की मदद से, वहां की बायोप्सी ले लिया, एच पायलोरी से एसोसिएटेड हमने सारी चीजें चेक कर लिया कि वहां पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण स्टमक में एच पायलोरी का इन्फेक्शन होने पर भी ये सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं गर्ड की प्रॉब्लम। तो जब ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो अल्टीमेटली हमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पर सोचना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट में पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इसके लिए बेहतर ड्रग्स होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में डिटेल डिस्कशन किया है। इसमें ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल और रेबेप्राजोल जैसे ड्रग्स शामिल किए गए हैं। ये बेस्ट ड्रग माने जाते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं। अदर ड्रग्स के रूप में हम हिस्टामिन ब्लॉकर या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के रूप में हम H2 एंटागोनिस्ट ड्रग या H2 ब्लॉकर ड्रग्स आप समझ सकते हैं, इसमें रेंटिडिन या फिर फेमोटिडिन ड्रग्स को शामिल किया गया है। इस बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में डिटेल में चर्चा किया है। तीसरा, हम एंटासिड्स का सोल्यूशन दे सकते हैं जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ मामलों में तो एच पायलोरी का एसोसिएशन भी देखा गया है, तो हमें एच पायलोरी को भी इरेडिकेट करने के बारे में सोचना होगा। इसमें हम ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रपल थेरेपी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आगे हम फार्माकोलॉजी में जो डिस्कशन किए थे, ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रपल थेरेपी, वो भी अपनाई जा सकती है। एक और बड़ा सवाल कि जो बैरेट्स ओसोफेगस की जो चेंजेस हैं उसको कैसे हम ठीक करेंगे, उसके लिए हम फोटोडायनेमिक थेरेपी करते हैं। बैरेट्स ओसोफेगस की कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि किस तरीके से लगातार एसिडिक एनवायरनमेंट के रहने के कारण जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग थी वो कॉलमनर एपिथेलियम में बदल जाती है, जिसके कारण प्री मेलिग्नेंसी की एक कंडीशन यहां पर डेवलप होती है। पहले तो मेटाप्लास्टिक, फिर डिसप्लास्टिक और आगे चल करके ये कैंसर्स में यहां पर बदलने की संभावनाएं होती हैं। तो उसको ट्रीट करना बेहद जरूरी है कि हम नॉर्मल सेल्स को दोबारा वापस पा लें। इसके लिए फोटोडायनेमिक थेरेपी की जाती है। फोटोडायनेमिक थेरेपी इस इमेज में हम देख सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन ऑफ बैरेट्स ओसोफेगस, जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से यहां पर जो चेंज्ड सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं ताकि दोबारा नए सेल्स का, ओरिजिनल सेल्स का रीग्रोथ हो, यानी कॉलमनर सेल्स खत्म हो जाए, वहां पर दोबारा फिर से नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पहुंच जाए, दोबारा रीजनरेट हो जाए। इस इमेज में हम देख सकते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी किस तरीके से किया जाता है, उसको यहां पर देखें। सेल्स को हम मार देते हैं, जो भी इस तरीके के चेंज्ड सेल्स हैं उनको हम किल करने का प्रयास करते हैं। पूरी प्रक्रिया हमें नहीं जानना है, बस हमें बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए कि एक स्पेशल फोटोसेंसिटाइजर की मदद से रेडिएशन इमिट की जाती है किसी खास वेवलेंथ की, जो कि यहां फोटोसेंसिटिव सेल्स को डैमेज कर देंगे। तो यहां पर क्या होता है, एक खास किस्म की हम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इमिट करके इन सेल्स को डैमेज करते हैं, जो फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, जो आमतौर पर डिसप्लास्टिक चेंजेस हैं या फिर मेटाप्लास्टिक जो चेंजेस हैं वो उस तरीके की सेल्स यहां पर डैमेज हो जाती हैं। इस वजह से फोटोडायनेमिक थेरेपी का इस्तेमाल बैरेट्स ओसोफेगस में किया जा सकता है। ये करता क्या है,
ये कॉल्यूमिनर सेल्स का नेक्रोसिस करा देता है। कैसे? ये विद द हेल्प ऑफ फोटोसेंसिटाइजर। इसमें करते क्या है, एक लाइट या फिर रेडिएशन को इमिट करने वाली डिवाइस लेते हैं जो कि एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है। हमने आपको दिखाया भी है कि एक खास रेडिएशन को इमिट करने वाली डिवाइस होगी, और इसमें जो फोटोसेंसिटाइजर होता है उसे पहले ही हम ट्यूमर के भीतर एंटर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, फोटोसेंसिटाइजर जो भी ड्रग्स होंगे वो ट्यूमर के सेल्स उन्हें ले लेते हैं, जो कि बैरेट्स के आसपास के सेल्स होंगे वो सबसे पहले उस ड्रग को या फिर उस फोटोसेंसिटिव जो भी केमिकल्स हैं उसको ये ले लेते हैं। आप देखिए, ये फोटोसेंसिटिव ड्रग है जिसको ट्यूमर सेल ने इंटेक कर लिया। यहां फोटोसेंसिटिव जो ड्रग है वो है डेल्टा अमीनो लिवलेनिक एसिड, और उसके बाद जब ये सेल्स ले लेते हैं फिर हम यहां पर जो रेडिएशन इमिटिंग डिवाइस होती है उसको हम लगाते हैं। तो आप देखिए, ये रेडिएशन इमिटिंग डिवाइस इस ड्रग के ले लेने के बाद इन सेल्स को किल करते हैं। ये फोटो डायनेमिक थेरेपी का पार्ट है जिसमें लेजर या फिर एक खास फ्रीक्वेंसी, लेजर का मतलब ही क्या होता है, एक खास फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करने की डिवाइस। तो एक खास रेडिएशंस की इमिट रेडिएशन एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट की जाती है जिसके बाद यहां की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। तो ये तरीका अपना करके जो भी कॉलुमनर सेल्स थे उनको हम डैमेज करते हैं। तो किया क्या हमने, सबसे पहले फोटोसेंसिटाइजर उन ट्यूमर सेल्स या फिर आसपास के वो मेटाप्लास्टिक या डिसप्लास्टिक जो भी आप कह लें जो कॉलुमनर सेल्स हैं, या फिर इसके अलावा जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो आगे ट्यूमर सेल्स में बदल सकते हैं, उन वहां पर हमने उन सेल्स पर फोटोसेंसिटाइजर ड्रग उन सभी सेल्स ने ले लिया। उसके बाद हम जब लेजर थेरेपी या किसी खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे, लेजर का मतलब होता है किसी खास फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालना, तो इसके कारण जो भी कॉलुमिनर सेल्स हैं या फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनका फोटोकोआगुलेशन हो जाता है, वहां की सेल्स नेक्रोज्ड हो जाएंगे। दोबारा अब नई जो रीजनरेटेड सेल्स होंगी वो स्क्वेमस सेल्स की होंगी। स्क्वेमस सेल्स यानी पहले था स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स, दोबारा वो सेल्स वापस आ जाती हैं। बीच के फेज में क्या हुआ, कॉलुमिनर सेल्स डैमेज किए गए। यहां पर हम बच्चों में थेरेपी के लिए क्या कर सकते हैं उसको भी समझना जरूरी है, लेकिन याद रखना है कि आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट याद रखना है कि फोटोडायनेमिक थेरेपी तभी यूजफुल हो सकती है जब हम पहले से एंटी रिफ्लक्स थेरेपी यानी ड्रग्स के साथ पेशेंट को सपोर्ट देते रहें, उसके बाद ही हम फोटोडायनेमिक थेरेपी देंगे। यहां पर बच्चों में हम खास तौर पर डाइट्स का मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे उन्हें थिकनिंग ऑफ डाइट्स के लिए कहेंगे, डाइट्स ऐसा दें जिसमें रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हों, ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉर्ड क्या हो सकता है या GERD या GORD क्या हो सकता है उसको भी हम सीक्वेंस में ही समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद क्या होगा, ओसोफेजियल अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग होगा, अल्सर हो सकता है। गर्ड के बाद ब्लीडिंग अगर हुआ तो थोड़ी देर बाद हीलिंग की प्रोसेस होगी, तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अगर ब्लीडिंग के समय अल्सर के समय बहुत ही डीप अगर वो चला गया तो परफोरेशन हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अगर वहां पर कॉल्यूमनर सेल्स डेवलप हो गए यानी बैरेट्स ओसोफेगस की कंडीशन डेवलप हुई तो आगे चल करके एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क बढ़ जाते हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसके साथ जुड़ी हुई। अभी तक जितने भी कॉम्प्लिकेशंस की बात की वो ओसोफेगस या फिर GI के आसपास ही था। कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अगर रिफ्लक्स ऊपर तक आया तो लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन करा सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया करा सकता है, डेंटल इरोजन हो सकते हैं। यहां पर जो एस्पिरेशन न्यूमोनिया होता है वो नॉक्टर्नल अस्थमा के साथ प्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि जो रिफ्लक्सेस होते हैं वो सुपाइन पोजीशन में ज्यादा उनके चांसेस देखे जाते हैं, तो रिफ्लक्स सुपाइन पोजीशन में ज्यादा होगा तो इसलिए पेशेंट बताएंगे कि उनको रात के समय अस्थमा के अटैक आते हैं, लेकिन वो अस्थमा का अटैक नहीं है,
वर्चुअली एस्पिरेशन निमोनिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से हम लोगों ने GERD के GI कॉम्प्लिकेशंस और एक्स्ट्रा GI कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पर वॉयस चेंजेस हो सकते हैं, लेरिंजाइटिस या फिर नॉक्टर्नल अस्थमा के फीचर्स भी देखे जा सकते हैं।